नागपुर शहर में मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक अच्छा कॉलेज, भाई समान, कुछ दोस्त और बहुत कुछ। अरे यार रुको रुको, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज की कहानी भी मेरे लाइफ से ही जुड़ी है। आज सुबह उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं कल देर रात तक एडिटिंग कर रहा था। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ मुझे पता चलता है बाहर बारिश हो रही है, पर क्या कर सकते, कॉलेज जाना भी ज़रूरी था। तो मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते कॉलेज के लिए, और फिर क्या, लिया अपना बस्ता, ली छतरी और चल पड़े कॉलेज के लिए। और अगर आप नागपुर से होंगे तो आपको पता ही होगा नागपुर में बारिश के बाद मौसम कितना सुहाना हो जाता है। फिर 2-3 ऑटो रिक्शा वालों के रिजेक्शन के बाद हमें बहुत देर वेट करना पड़ता है ऑटो के लिए, और फिर फाइनली हमें एक ऑटो मिल जाता है जिसमें हमारे साथ एक क्लासमेट भी जुड़ जाता है, और फिर फाइनली हम कॉलेज पहुंच जाते हैं। बारिश की वजह से हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। हमारी तरह कुछ और स्टूडेंट्स को देख दिल को ठंडक मिली। फर्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद हम सब बाहर आ गए, फिर मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक होने के कारण एक कप कॉफ़ी पी, फिर सेकेंड लेक्चर के लिए हम सब क्लास में आ गए। फिर हमारा एक्टर भाई तेजस के साथ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लिए, अपना नाम का शो ऑफ करते हुए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो में जितने भी लेक्चर वाले शॉट्स हैं वो मैंने सब लेक्चर खत्म होने के बाद शूट किया है। अब पूरा दिन लेक्चर्स अटेंड करने के बाद थक हार कर हम जा रहे हैं अपने अपने फ्लैट्स पर और रूम्स पर। और आप इसे तो ऑलरेडी जानते हो, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये बंदा कौन है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। वापस आते वक्त मेरे दोस्तों को भूख लगी थी तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते, लेकिन वो भैया बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे, तो हमने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ और खा लेंगे। तो दर्शकों, इसी तरह हमारा आज का दिन समाप्त होता है।